नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूं बिरजेश गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली जॉब अपडेट 24/7 पे। दोस्तों DMRC की तरफ से बहुत बुरी खबर आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि JEE सिविल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे DMRC ने 14 दिसंबर 2019 को कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला, 139 वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला था और इसका एग्ज़ाम आपका 26 फरवरी 2020 को हुआ था और इसका रिजल्ट 8 मई 2020 को घोषित कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों DMRC ने आज के दिन नीचे की 39 वैकेंसी थी उसको घटा दिया है, अब 100 वैकेंसी पे इसने रिजल्ट द्वारा घोषित कर दिया है। आपका वक्त खराब ना करते हुए सीधे आपको नोटिफिकेशन तरफ ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि 3949 कैंडिडेट इसमें अपियर हुए थे और 26 फरवरी 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और द्वारा इसकी कट ऑफ जारी की गई है। इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन दिया गया कि इट हैज़ देयरफॉर बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ JEE सिविल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम 139 से 100, मतलब 139 से 100 तक घटा दी गई है, मतलब कि 39 वैकेंसी इसमें डिक्रीज कर दी गई है। तो दोस्तों टोटल अब इसमें 100 पोस्ट रह गई हैं और 13 SC के लिए, 7 ST के लिए, 5 OBC के लिए, 10 EWS के लिए और अन्य रिजर्व के लिए 65, एक्स सर्विसमैन के लिए 14। इस तरह से 100 वैकेंसी पर इसमें द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है और इसमें कट ऑफ भी दोस्तों बढ़ा दी गई है। अब टोटल 100 कैंडिडेट इसमें अब सेलेक्ट किए गए हैं, 100 कैंडिडेट ही इसमें अब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। रिवाइज कट ऑफ भी निकला कर दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं अन रिजर्व का 58.930, EWS का 53.360, OBC का 59.452, SC का 52.157, ST का 46.579 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों बाकी में बहुत बुरी खबर है उन कैंडिडेट के लिए जो पहली लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।